हेलो एवरीवन आज है मंडे अप्रैल फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज़ ऑथेंटिक ए यू टी एच ई एन टी आई सी ऑथेंटिक का मीनिंग होता है असली प्रामाणिक और वास्तविक ऑथेंटिक डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ ट्रू और जेनुअन एंड नॉट काउंटरफीट सो ऑथेंटिक किस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो ट्रू है और जेनुन है दैट यू नो इज़ रियल और जैनुन प्रामाणिक असली ट्रू और एक्यूरेट सच्चा सही सो ऑथेंटिक का मीनिंग क्या होता है असली प्रामाणिक ट्रू एक्यूरेट सो so, ये है ऑथेंटिक का मीनिंग सिनोनम्स ऑफ ऑथेंटिक आर जैनुन औरिजिनल रियल एक्चुअल एंड ट्रू

सो so, एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया है कि जो लेटर पे सिग्नेचर हैं वो ऑथेंटिक है यानी कि असली हैं रियल हैं ट्रू हैं सेकेंड सेंटेंस इज दिस फॉरेस्ट हैज़ अ वेरी ऑथेंटिक फीलिंग यानी कि इस फॉरेस्ट की फीलिंग जो है वो बड़ी ऑथेंटिक यानी कि ट्रू है एकदम रियल है औरिजिनल है एंड द लास्ट थर्ड सेंटेंस इज देयर इज़ नो प्रूफ दैट द डॉक्यूमेंट इज़ ऑथेंटिक यानी कि इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है ओरिजिनल है रियल है सो so, आज हमने सीखा है इंग्लिश ओकेबलरी वर्ड ऑफ द डे ऑथेंटिक सो एक अनदर uh, अनाउंसमेंट है कि आज है अप्रैल फर्स्ट मंडे सो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एटी ए टू जेड इंग्लिश ओकेबलरी सीरीज वर्ड स्टार्ट विद ए सो अप्रैल के मंथ में हम सीखेंगे वो सारे इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स जो ए से स्टार्ट होते हैं वर्ड ए से सो so, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करेंगे बी से तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ए टू जेड वोकेबलरी वर्ड सीरीज़ सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स एवरी डे देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यूनिवर्स इज यूनिक एंड लर्न इंग्लिश एवरीडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग